हेलो एवरीवन वेलकम टू माय क्लास आई एम तृप्ति एंड यू आर वॉचिंग एन पी सी सो बच्चा लास्ट क्लास में हमने लाइट के अनदर फिनोमेना दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में काफ़ी कुछ सारी चीज़ें डिस्कस की थी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बहुत कुछ जाना था ओके okay. आज की हम क्लास में उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ट कुछ इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी को डील करेंगे ओके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने सीखा था कि लाइट किस तरह से वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर होती है एंड देन टूवर्ड्स बैंड होती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है ये किसके कारण होता है मीडियम के कारण अगर लाइट रेस रेड टू डेंस मीडियम इंटर करती है तो वो नॉर्मल के तरफ टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है एंड यही कॉन्सेप्ट अगर वाइस वर्सा कर दें तो क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी ओके okay. उसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंड से शो करते हैं डेट दैट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द वन मीडियम अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मीडियम ओके एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था एंड दैट इज इक्वस टू द एंड इज इक्वस टू सी बाई वी य सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम ओके यहाँ तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी बस इसी के आगे हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं इंडेक्स के वही हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में ओके okay. एंड ये क्वेश्चन जनरली टू मार्क्स में पूछे जाते हैं सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ओके ये जो क्वेश्चन है ये आपके एन की बुक के पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स पे मिलेगा आपको ओके okay, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक लाइट रे है वो इंटर करती है अब्लिकली वाटर में ओके एयर टू वाटर कहाँ पर एयर टू वाटर इंटर कर रही है ओके okay, मीन्स आपको सबसे पहले तो ये पता हो गया होगा कि एयर जो है वो रैर मीडियम है एंड वाटर इज़ द डेंस मीडियम ओके इतना तो आपको पता चल ही गया क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर में एज कंपेयर टू द एयर ज़्यादा होते हैं ओके सो वाटर जो है वो डांस मीडियम होगा अब लाइट रे जब एयर टू वाटर इंटर करती है तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो सिंपली अगर लाइट रे रेड मीडियम टू डांस मीडियम में इंटर करती है तो वो टूअर्ड्स द नॉर्मल होगा क्यों क्योंकि डांस मीडियम में लाइट रेस की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है ओके okay. तो रेड टू डांस अगर आपको जाना है तो टूअर्ड्स द नॉर्मल होगा एंड इसी का अगर अपोजिट कर दें डेंस टू रेयर जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो दैट इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया हुआ है कि लाइट जो रेज है वो एयर टू ग्लास में इंटर करती है और उसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है ओके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी द वन पॉइंट फाइव जीरो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में ओके okay. अब आपको बताना है वॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जब लाइट रेस एयर टू ग्लास इंटर करती है तो ग्लास में जो स्पीड होगी वो एयर के कंपैरिजन में कम होगी ओके okay. क्योंकि ग्लास जो है वो डेंस मीडियम है कम होगी ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता है अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ओके तो आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो पड़ा हुआ है एन इज इक्वस टू सी बाई वी हेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो यहाँ मीडियम ग्लास है सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ओके सो ये ही आपको वी जो वी की वैल्यू है वही आपको फाइंड आउट करनी है सो वी इज इक्वस टू सी बाई एन हो जाएगा ओके okay. सी की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है थ्री इंटू टेन रेस्ट टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन है वन पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ आपको टू जीरोस लगाने होंगे ओके ये जीरो से जीरो कैंसिल एंड फिफ्टीन टू जा थर्टी

बताना है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मीडियम है वो कौन सा है एंड लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी कौन से मीडियम में होती है ओके okay. तो सिंपली आपने आपकी एन बुक के पेज नंबर 175 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो टेबल है वो स्टडी की होगी वो आप देख लीजिएगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है वही डेंस मीडियम या ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज़्यादा है ओके और जिसका रिस्पे रिफ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो लोएस्ट होगी तो यहाँ पर हाईएस्ट डायमंड होगा क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है 2.42, ओके डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वन पॉइंट जीरो जीरो ओके तो आपका लोएस्ट जो है ऑप्टिकल डेंसिटी वन पॉइंट जीरो जीरो है एज कम्पेयर टू द टू पॉइंट फोर टू से ओके सो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको थ्री मीडियम्स गिवन है केरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर तो आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो फास्टेस्ट किस मीडियम में होगी तो सिंपल ही है लाइट जो है ट्रेवल फास्ट करेगा किस मीडियम में जहां पर डेंसिटी कम होगी जहां पर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होंगे वहां पर वो लाइट रेस इजीली ट्रेवल कर पाएगी ओके तो यहाँ पे आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स देखना होंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसके सबसे कम होगा वो डांस सबसे कम होगा ओके okay. तो वहीं पर फास्टेस्ट स्पीड होगी लाइट की तो केरोसिन का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ वन पॉइंट फोर फोर टर्पेंटाइन का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ वन पॉइंट फोर सेवन एंड वाटर का होता है वन पॉइंट थ्री okay. थ्री ओके so, सो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम वाटर का है सो so, लाइट की स्पीड फास्टेस्ट होगी वाटर में ओके okay. सो दैट इज योर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंडोर 2.42. वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट ओके इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का क्या होता है 2.42. तो इसका मतलब ये है कि एयर के कंपैरिजन में डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.42 पॉइंट टू हो गई है मीन्स अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में थ्री इंटू टेन रेस्ट टू दावर एट है तो हंड्रेड एंड वन परसेंट डायमंड में इसके कम ही होगी ओके okay. इससे तो कम ही होगी क्यों क्योंकि डेंसर मीडियम डायमंड एज कंपेयर टू द एयर ज़्यादा है ओके सो डेंसर मीडियम में लाइट स्लोली ट्रेवल करेगा तो स्पीड जो है वो रिड्यूस होगी और स्पीड एज कंपेयर टू द एयर डायमंड में टू पॉइंट फोर टू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी तो इसका आंसर है दिस ओके आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे अब हम बात करते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट की जो हम इस वीडियो लेक्चर में डील करने वाले हैं ओके okay? ओके okay, अब हम हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं दैट इज़ द रिफ्रैक्शन बाय द स्पेरिकल लेंसेस लेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंसेज कॉन वैक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ओके okay. पर डिस्कस करने के पहले इस लेक्चर को आगे बढ़ाने के पहले एक सिंपल सी चीज़ है कि आ, आप लेंसेस का यूज़ क्यों करते हैं ओके okay. तो आपने देखा होगा कि कहीं पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है ओके तो आप इजीली उसे देख नहीं पाते हो उसे मैग्नीफाई करके आपको बड़ा करके देखना है तो वहाँ पर आप लेंस का यूज़ करके उस चीज़ को इजीली देख सकते हैं ओके okay. तो इसीलिए हम लेंसेस का यूज कर लेंसेस जो है एक सिंपली ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि बाउंडेड होता है टू सरफ़ेसेस से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दैट इज द वन सरफ़ेस एंड इट इज़ अनदर सरफ़ेस। तो टू सरफेस से एक मीडियम जो है वो बाउंडेड है और वो ट्रांसपेरेंट है मीन्स रेज जो इंसिडेंट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है तो ये जो पूरा सिस्टम है दिस इज कॉल्ड लेंस अब लेंसेज जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस तो इसमें क्या होता है कि जो रेज इंसिडेंट्स रेज जो हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पर मिलती है इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्कीव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो इंसिडेंस रेज जो हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो स्प्रेड हो जाती हैं ओके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है तो दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस ओके तो यहाँ पर देखिए कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से बनाए जाते हैं तो सिंपली अगर आप टू स्पीयर्स लेते हैं ये वन स्पीयर एंड टू स्पीयर्स और दोनों को इस तरह से एड करना है तो ये जो पार्ट है आपका दिस इज यस लेंस ओके और कॉन्केव लेंस में आपको स्पीयर्स को थोड़ा डिस्टेंस पर रखना होगा ओके okay. और फिर इनको एक मटेरियल से अटैच करना होगा और ये जो पार्ट आपको मिला दिस इज़ योर कॉन्केव लेंस तो यहाँ पर हमने टू स्पीयर्स लिए हैं सो so, लेंसेस को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट वन स्पीयर आपको चाहिए ओके वन स्फीयर ले सकते हैं अनदर आप जो भी सरफेस ले प्लेन सरफेस भी ले सकते हैं या फिर कॉनक्यू या कॉन्वेक्स दोनों सर्फेसेस ले सकते तो एटलीस्ट आपको वन सर्फेस आपकी स्पेरिकल सर्फेस होना चाहिए तभी आपके लेंसेस फॉर्म होंगे तो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस को फॉर्म किया ओके okay, तो इस तरह से आपको कॉन्वेक्स लेंस मिला अब इन दोनों लेंसेस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो एसोसिएट होती हैं और उन टर्म्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे ओके सो फर्स्ट वन इज़ अपर्चर अपर्चर क्या होता है तो सिंपली आपका ये जो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्केव लेंस जिस स्पीयर से फॉर्म हुआ है उस स्पीयर का जो डायमीटर है ये जो आप पार्ट देख रहे हैं अगर आप ए बी से कॉन्स ये जो डायमीटर है बस इसी को आप एपर्चर कहेंगे ओके सेकेंड वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सिंपली सेंटर जो है स्पीयर जो आप ले रहे हैं उसका सेंटर पार्ट ओके तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं क्योंकि आपको टू स्पीयर्स लेना है तो फर्स्ट सेंटर सी वन कंसिडर करते हैं सेकेंड सेंटर सी टू कंसिडर करते हैं ओके डायग्राम में आपको सी वन एंड सी टू दिखाई दे रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है सिंपल एक इमेजनरी लाइन होती है जो कि टू सेंटर ऑफ कर्चर से पास होती है ओके नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल सेंटर तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है तो ऑप्टिकल सेंटर में एक्चुअली uh, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस या कॉनक्यूव लेंस कोई भी ले लें उसमें इंसिडेंस रेज जो है वो हर पॉइंट पे किसी दूसरे पॉइंट पे अगर आप बात करें तो वहां से तो डाइवर्ट होगी वो डिफ्लेक्ट होगी बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा आपके लेंस में आपके कॉन्वेक्स लेंस में कि जहाँ से वो डाइवर्ट नहीं होगी जहाँ से रेज जो है वो डाइवर्ट नहीं होगी उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा यहाँ देखिए आप ये C1 के थ्रू अगर आप इंसिडेंट रे इंसिडेंट करवाते हैं इस कॉन्वेक्स लेंस पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो स्ट्रेट निकल जाती है स्ट्रेट रिफ्लैक्ट हो जाती है ओके okay, ये पॉइंट पर डाइवर्ट नहीं हुई है डिफ्लेक्ट नहीं हुई है तो इस पॉइंट को आप बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओके नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने प्रिंसिपल फोकस पर एक पॉइंट लिया एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया और उस पॉइंट से इंसिडेंट रे जो है वो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्व लेंस पर इंसिडेंट करवाई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज पैरल होंगी जब रेस पैरल मिलेगी तो उस पॉइंट को जिस पॉइंट से हमारी इंसिडेंस रेज चली है उसी पॉइंट को आप बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ओके और इससे डिनोट करते हैं एफ वन के थ्रू सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपकी जो रेज है वो पैरल इंसिडेंट होंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी मिल जाएंगी तो इस पॉइंट को आप बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और इसे एफ टू से डिनोट करते हैं ओके द नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ सो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ओके ओ और एफ वन या एफ टू के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर फोकल लेंथ फोकल प्लेन तो फोकल प्लेन जो है वो फोकल पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इस पर्टिकुलर पॉइंट फोकल पॉइंट से एक प्लान या फिर नॉर्मल ड्रॉ करें सो दैट इज़ योर फोकल प्लान तो ये सारी जो चीज़ें हैं एसोसिएट टर्म्स हैं ये हमको जानना जरूरी है लेंसेस में ओके okay, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेस की कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है ओके okay. अगर आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पर रखें तो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से कहाँ कहाँ होता है नेचर क्या होता है इमेज का साइज़ क्या होता है इमेज का वो सारी चीज़ें हम देखते हैं ओके सो वन बाय वन हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को इमेजिन करेंगे तो फर्स्ट आपको इमेजिन करना है कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनेटी पर तो इन्फिनेट से रेज जो आ रही है वो पैरल आ रही है इंसिडेंट हुई आपके कॉन्वेक्स लेंस पर और एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज हुई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ एफ टू मीन्स जो सेकेंड सरफेस है आपका उसके फोकल पॉइंट पर इंसिडेंट हुई ओके okay, तो ये जो इंसिडेंट रेज जो है इन रेज के थ्रू आपको इमेज मिला और इमेज जो है वो काफ़ी छोटा है पॉइंट साइज का है एंड इमेज कि जो नेचर है दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड रियल मीन्स जो एक्चुअल रेज है वो इंटरसेक्ट के थ्रू आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ है एंड इन्वर्टेड मीन्स अगर आपका इमेज ए बी है तो वो आपको बी ए के रूप में मिलेगा ओके okay. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है अब हम क्या करते हैं सेकेंड पॉइंट में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनीटी के बीच में रखते हैं मीन्स आप देख पा रहे हैं ए बी ऑब्जेक्ट है हमने सी वन और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है देन यहाँ से रेज इंसिडेंट हुई ऑन द कॉन्वेक्स लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासिंग थ्रू द पॉइंट एडेश ओके एडेश पर ये इंटरसेक्ट हुई और आपको एडेश बीडेश इमेज मिला तो ए बी का जो इमेज है वो बी बीडेश मिला और ये जो है वो इन्वर्टेड है एंड रियल है क्योंकि रियल रेज जो है वो एक्चुअल रेज जो है वो इंसिडेंट हुई इंटरसेप्ट हुई और आपकी जो इमेज का जो साइज़ है वो एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट स्मॉल है डिमिनिश्ड है ओके okay. तो ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ थर्ड पॉइंट विल बी द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वे मीन्स आपको ऑब्जेक्ट को कहा रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीन्स आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा यहाँ से रेस आपको पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम टू रेस चाहिए क्यों क्योंकि इंटरसेक्ट होगा इंसिडेंट रेस का एंड देन आपको इमेज मिलेगा तो यहाँ पर ए बी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रेस इंसिडेंट हुई ऑन द कॉन्वेक्स लेंस एंड आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल मीट एट पॉइंट एड ए सो एडेश

सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं ओके मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन द एफ वन एंड सी वन तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ से इंसिडेंट रे जो है, वो इंसिडेंट हुई कॉन्वेक्स लेंस पर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट एट पॉइंट एडेश एंड बी डेश सो बी डेश एडेश इज़ योर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी ए बी का जो इमेज है वो बी डैश ए डैश पर मिला और ये कहाँ पर मिला यू एफ मीन्स टू एफ और इन्फिनेटी के बीच में ओके okay. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाद में किसी भी पॉइंट पर हमको इमेज मिला तो यहाँ इमेज का जो साइज है वो एंड लार्ज है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर विल बी द रियल एंड इन्वर्टेड ओके नेक्स्ट वन इज जब हमारा इमेज फोकल पॉइंट पर एफ वन पर होगा तब क्या होगा तब आपका जो रेज इंसिडेंट रेज जो है वो इंसिडेंट होंगी कॉन्वेक्स लेंस पर और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोइंग थ्रू द पैरल ओके ये जो रेज है वो पैरल चली जाएंगी तो पैरल जो रेज है वो एक्चुअली तो मिलते नहीं है और हम इमेजिन करते हैं कि वो इन्फिनेटी पर मिली तो आपका जो इमेज है वो हाईली एनलार्ज होगा काफी बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट और कहाँ होगा इन्फिनेटी पर ओके एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा इन द नेचर तो ये हमारा पॉइंट ई e है अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड एफ वन मीन्स फोकल पॉइंट के बीच में रखा तब क्या होगा तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये भी यहाँ से रेज इंसिडेंट हुई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोइंग थ्रू इन दिस वे एफ टू मीन्स फोकस फोकल पॉइंट के डायरेक्शन में गई अब इससे आपने क्या किया बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज किया इस रे को एंड यहाँ पर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज किया तो ये जो है वो मीट हुई पॉइंट ए डैश पर सो ए डेस एंड बी डैश इज योर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी ए बी का जो इमेज है वो ए डेस बी डैश पर मीन्स उसी साइड पर जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पर आपका इमेज भी फॉर्म हुआ और इमेज एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट काफ़ी एनलार्ज है काफ़ी बड़ा है एंड वर्चुअल है क्यों क्योंकि एक्चुअल रेस तो यहाँ जा रही इस वे में बट हमने रेस को इमेजिन किया बैकवर्ड साइड में इंक्रीज किया देन मीट हुई तब जाके आपको इमेज फॉर्मेशन हुआ सो ये जो रेज है दैट इज द वर्चुअल सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इरेक्ट मीन्स सीधा ओके सो ए बी का जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिला तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है बाय द कॉन्वेक्स लेंस ये हमने अभी सीखा अब बात करते हैं कॉन्केव लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन की तो जनरली टू केसेस है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो तब इमेज फॉर्म किस तरह से होगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव लेंस एंड जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो तब इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है तो ये दोनों केसेस हम स्टडी करने वाले हैं तो फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो रेज जो है वो पैरल इंसिडेंट होंगी ऑन द लेंस यहाँ कॉन्केव लेंस यूज़ कर रहे हैं तो पैरल इंसिडेंट रेज जो है वो इंसिडेंट होगी कॉन्केव लेंस पर और आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्केव लेंस का ये जो वर्क है वो होता है रेस को डाइवर्स करना तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाती है और ये जो डाइवर्जिंग रेज है इन्हें हमने बैकवर्ड साइड में इंक्रीज़ किया तो ये पॉइंट एफ़ वन पर मीट हुई तो एफ़ वन पर आपका इमेज फॉर्म हुआ ओके जो इन्फिनीटी पर ऑब्जेक्ट था उसका इमेज एफ वन पॉइंट पर मिला आपको और ये इमेज जो है वो काफ़ी छोटा पॉइंट साइज़ का है और इसका जो नेचर है दैट इज़ द वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल मीन्स जो एक्चुअल रेज है वो मीट नहीं हो रही आपने इमेजिन किया है तो ये रेज के थ्रू आपका इमेज फॉर्म हुआ ओके इरेक्ट मीन्स सीधा नेक्स्ट है आपका जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनीटी के बीच में हो मीन्स आपका ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ से रेज इंसिडेंट हुई तो जो पैरल रेज हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल जो रेज हैं वो तो डाइवर्ज हो जाएंगी ओके विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव लेंस एंड अदर रेज जो है वो यहाँ पर इंसिडेंट होके ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी क्योंकि आपने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पढ़ा है कि रेज जो है वो डाइवर्ट नहीं होती डिफ्लेक्ट नहीं होती ऑन द ऑप्टिकल सेंटर तो यहाँ पर ये जो रेज है वो ए और जो रेज है वो सीधे निकल जाए सो so, आपका इमेज ए डैश बी डैश बना ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी ओके सो सो द इमेज ऑफ ए बी इज ए डैश बी डैश ओके तो ये जो इमेज है ये आपका काफ़ी छोटा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट ओके ए बी से काफी छोटा है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो ये टू केसेस हैं जो कि हमने कौनकेव लेंस में देखे तो ये जनरली टू केसेस ही हमें इसमें स्टडी करना है ओके okay, आज के लिए इतना ही अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पे बेसिस कुछ एग्जांपल्स कुछ इंटेक्स क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व करेंगे ओके सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड